तो यार अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग अनदर वीडियो। तो आज हमने जी सोचा है जो हमारे डक्स के बच्चे निकले हुए हैं ना, उनको हम थोड़ा धूप लगवाएं, बाहर निकालें, क्योंकि उनको निकले हुए 2-4 दिन हो गए हैं। तो अब थोड़ा सा उनको बाहर घुमाएं, थोड़ा धूप लगाएं। इसकी वजह से मैंने स्कूबी को बंद कर दिया, इसमें मुर्गे वगैरह निकाल के ना स्कूबी को यहाँ बंद कर दिया, ताकि ये उनको तंग ना करे। इसने एक और काम भी कर दिया, आपको वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारा एक पॉट इसने तोड़ दिया गमला, ये देखिए यार, डे बाय डे ना बढ़ती जा रही है, इसके लिए प्रॉपर बंदोबस्त करते हैं इसका। इसने अभी हम आए ऊपर, ये खुला हुआ था, इसने अपना बेल्ट भी तोड़ दिया और अपना ये गमला भी तोड़ दिया, इसलिए फिर अभी मैंने इसको बंद कर दिया। मैंने कहा मैं उनको खोलूं और ये ऊपर हमला कर दे। तो अभी फिलहाल मैं उनको किस तरह निकालता हूँ, रैबिट्स इनके डक्स के बच्चों को, इसको साइड पर करके ना, क्योंकि आज निकली हुई है धूप, आपको दिखाते हैं। ये देखें सही मज़े की धूप निकली हुई है और इनको धूप लगवाना भी ज़रूरी है। हाँ जी भाई, बाहर निकलो, सारे बाहर निकलो, चलो चलो बाहर बाहर बाहर। इनको मैं इस तरह बाहर निकालता हूँ डक्स को। चलो चलो, एक निकल गई, जी ये देखें बच्चों को लेके मैं आ गया हूँ। ठीक है, कहाँ छोड़ूं, इसके ऊपर छोड़ देता हूँ। जी भाई ये यहाँ पे छोड़ो, ये बहुत ही क्यूट लगेंगे यहाँ पे। ये देखें जी हमारी डक्स के प्यारे प्यारे डकलिंग जो हैं, बहुत प्यारे प्यारे हैं, तो काफी सारे हैं, जरा ओपन हो जाए ना। ये अब इनके लिए हम पानी लेके आ रहे हैं, दरमियान में रख दे इधर ही। अब इन बच्चों को हम डक्स समेत यहाँ लेके आते हैं, ताकि ये थोड़ा सा नहाएं। चलो चलो उधर उधर उधर, ये देखें ये भी फौज बना के उनके पीछे जा रहे हैं, अभी अंदर घुस जाए ना नहाने के लिए। चलो भाई चलो भाई चलो भाई, किसी एक को मैं छोड़ता भी हूँ ना, वो बाहर निकल गए। ये अभी बाहर, ये मैं खुद ही छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, सब तो ओपन है, अभी वो डक्स के पीछे लगे हुए हैं, इनको पैर नहीं रहे जी। हमने इनके लिए पानी भर के रखा, लेकिन ये है कि पानी में घुस ही नहीं रहे, ऐसे ही बाल। हाँ मैंने भी अभी नोट किया है। चलो उधर खेलो जाके, इसको कोई मसला है कि मैं नजर नहीं आ रही, मेल है फीमेल पत्नी की तरह। अंदर घुसता हूँ फिर देखता हूँ, कोने में छुप के बैठ रहे हैं, भाग नहीं रहे भाई, इधर उधर खेलो। ये इस बच्चे को पता नहीं क्या है, ये देखो यहाँ पे डक्स के बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो अभी हमने इनको खुला छोड़ दिया, पानी इनका वहाँ रख दिया, अब अपनी मर्जी से नहाएंगे या जो मर्जी करना है, इनकी मर्जी है। हमने कहा थोड़ा सा इनको धूप भी लग जाए, थोड़ा बाहर की हवा भी लग जाए। तो बाकी 2-4 अंडे पड़े हैं वो ख़राब हैं, वो मैं फेंक देता हूँ। और इनके अलावा आपको मैंने कल दिखाया था कुछ और हमने डक्स के अंडे रखे हैं, तो इन करीब 1 महीने तक ना इस तरह के और बहुत सारे बच्चे निकल आएंगे। देखें क्यूट क्यूट से घूम रहे हैं अब, वो देखें उस कोने में इकट्ठे हो गए, डक्स आगे वो पीछे, जहाँ डक्स जा रही है वहीं पे बच्चे जा रहे हैं। ये डक्स तो बाहर घूम रही है, इनके बच्चे भी, लेकिन ना चीलों का डर है, वो देखें चीलें आ भी रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो इसलिए फिर अभी मैंने इनको साथ ही मैं इनके घूम रहा हूँ, ताकि कोई चील वगैरह कोई बच्चा ना उठा जाए, एक बच्चा कीमती है, इसलिए साथ साथ ही मैं इनके घूम रहा हूँ अभी फिलहाल, थोड़ा सा घूम फिर भी लें। वो क्यूट क्यूट से छोटे छोटे, ये देख, तो इनके तो घूमते रहते हैं, तब तक भाई वगैरह उन सबको दाना पानी डाल रहे हैं। और यहाँ पर जो कल हमने एक पेयर रखा था, वो हमने फिर बाहर रख दिए सेल, वो आपको दिखाता हूँ वो किधर पड़ा हुआ है, बाहर पड़ा हुआ है, उनको सेल करने के लिए हमने रख दिया ना, क्योंकि वो एक्स्ट्रा हो गए थे। आपको पता है रैबिट्स बहुत ज़्यादा ब्रीड करते हैं,
वो ज्यादा हो गए तो फिर हमने वो सेल करना शुरू रख दिया, इसलिए अब सिर्फ हमारे पास ये सामने वाले पड़े हैं और ये पड़े हैं। स्कूबी को बंद कर दिया क्या कि ये तंग ना करे। आ गए जी सारे पानी के पास, अब खुद से ही आ गए, हमने हटाया ना। इसमें फौरन घुस गए डक्स के बच्चे, अब नहा भी रहे हैं वो देखें। ये देखें जी माँ के पीछे पीछे एक साथ ही। ये देखें डक्स को वापस बंद कर दिए इन्होंने, खा पी लिया ना इसलिए थोड़ा घूम फिर भी लिया इन्होंने। अब जी स्कूबी को भी बाहर निकाल दिया कि अब ये घूमे फिरे, अब याशी करे क्योंकि अब डक्स अंदर चली गई है। सबको दाना पानी हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। आज डक्स को बाहर निकाला, थोड़ा पानी में घुमाया, ठीक है। तो अब आपको जो मुर्गी बिठाई थी वो भी मैं नीचे जाके एक बार दिखा देता हूँ, क्योंकि वो कल बिठाई थी, ऑफ कैमरा बिठाई थी, तो वो भी दिखा देता हूँ। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।